सोमवार का दिन भोले भंडारी को समर्पित है। कहते हैं सोमवार के दिन जो व्यक्ति भगवान शिव की उपासना करता है और उनकी विधिवत पूजा करता है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन ये कम लोग ही जानते होंगे कि इस दिन कुंडली में मौजूद चंद्र दोष को भी खत्म किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों का स्वभाव क्रोधी होता है उनको खासकर सोमवार के दिन उपवास रखना चाहिए। भगवान शिव लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कहते हैं कोई कुंवारी लड़की भगवान शिव की सच्चे मन में व्रत रखकर उनकी पूजा करती है, उन्हें मनचाहा पति मिलता है। तो आइए आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे कि सोमवार के दिन कौन से ऐसे काम हैं जिसे करने से भक्तों को मनचाहा वरदान मिलता है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सोमवार के दिन कौन सी चीजें करने से बचें। सोमवार के दिन शक्कर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इस दिन किसी को भी सफेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन उत्तर पूर्व दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है। अपने कुल देवी देवता को इस दिन जरूर याद करना चाहिए। सोमवार के दिन कुल देवताओं की पूजा ना करना उनका अपमान माना जाता है। इससे व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस दिन भगवान शिव को पीले मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए और ना ही उन्हें काले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। सोमवार के दिन किसी से वाद विवाद करने से बचें, वरना किसी बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। सोमवार के दिन शनिदेव से संबंधित भोजन और वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन बैंगन, सरसों का साग, काला तिल, मसालेदार सब्जी और कटहल का सेवन ना करें। इसके अलावा काले, नीले, कत्थई और जामुनी रंग के कपड़े ना पहने। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष है और चंद्रमा कष्ट दे रहा है तो उसे दूध या पानी से भरा बर्तन सिरहाने रखकर सोना चाहिए। सुबह उठकर इस पानी को पीपल के पेड़ में डाल देना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस दिन जरूर करनी चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने के बाद सिर पर भस्म लगाना चाहिए। इससे शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप किसी काम में धन निवेश करना चाहते हैं तो सोमवार का दिन इसके लिए बेहद ही शुभ माना गया है। इस दिन आप सोना, चांदी या शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। घर के निर्माण के लिए भी सोमवार का दिन अति शुभ होता है। इस दिन शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा और शमी के पत्ते अर्पित करना शुभ होता है। आखिर में ये जान लेते हैं कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा कैसे करें, इस दिन की सही पूजा विधि क्या है। सोमवार की व्रत में व्रतियों को सुबह नहा धोकर भोलेनाथ की पूजा का संकल्प लेना चाहिए। फिर घर के मंदिर के आगे चौकी स्थापित करके शिव भगवान और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। उनका चंदन से तिलक करें, फिर रोली अक्षत अर्पित करें और पान सुपारी चढ़ाएं। इसके बाद फल फूल से उन्हें भोग लगाएं और आरती करें। इस दिन मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। भगवान शिव को पंचामृत और मिश्री का भोग लगाएं। भगवान शिव को मालपुए पसंद हैं तो आप मालपुए बनाकर इसका भोग शिव भगवान को लगा सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्मकर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।